ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटर इंडो पैसिफिक से लेकर रेड सी, इंटर इंडो पैसिफिक से लेकर रेड सी तक ये पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 5 inch तक बड़ा होता है। क्लेम्स बटरफ्लाई, ये क्लेम्स बटरफ्लाई एक्वेरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर बटरफ्लाई है और बहुत अच्छा बटरफ्लाई है, देखने में भी अच्छा है और हैबिटेट में भी अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का इस एपिसोड का जो हमारा पहला फिश है दैट इज चिटोडॉन लुनुला। इसका कॉमन नेम है रेकून बटरफ्लाई और मून बटरफ्लाई। ये ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रेंज में पाया जाता है। ये मैक्सिमम 8 inch तक बड़ा हो सकता है। ये जो रेकून बटरफ्लाई है ये एक्वेरिस्ट में बहुत पॉपुलर फिश है, बहुत पॉपुलर है बिकॉज इट इज अ एक्सट्रीमली हार्डी फिश। यस, हार्डी इन विच कॉन्टेक्स्ट? हार्डी वाटर पैरामीटर चेंजेस टॉलरेंस बहुत अच्छा है, वाटर पैरामीटर का जो चेंज टॉलरेंस है वो कर सकता है, टेम्परेचर टॉलरेंस अच्छा है, पीएच टॉलरेंस अच्छा है, वाटर डेंसिटी टॉलरेंस अच्छा है, फूड हैबिट, इट कैन अडॉप्ट इटसेल्फ इन एनी टाइप ऑफ फूड, टेम्परमेंट पीसफुल है, ज़्यादा डिस्टर्ब किसी को नहीं करता है। ये हर बटरफ्लाई की तरह थोड़ा पेयर में रहता है, बड़े टैंक में रहता है। ये टैंक में रखने के लिए आपको रॉक स्ट्रक्चर में इस तरह से केव डिज़ाइन करना है ताकि ये रात को वहाँ सो सके। इस मछली का, जी हाँ, एक खास कैरेक्टर है, ये रात को पर्टिकुलर अपने रूम में ही सोता है। अगर आपका एक रूम रहे, जैसे आप हर रात को एक बेडरूम में अपने बेड पे ही सोते हो, तो एक्वेरियम में, बड़ा एक्वेरियम में रॉक स्ट्रक्चर इस तरह से रखे, वो पर्टिकुलर उस रॉक स्ट्रक्चर में अपना शेल्टर लेके वहीं पर रात को वो रेस्ट लेगा। सो मोर ऑर लेस ये बिहेव लुक वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है लुक वाइज, बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, फूड हैबिट वाइज, इट्स अ गुड सिलेक्शन ऑफ द फिश। और हाँ, ये रीफ सेफ बिल्कुल नहीं है, एज लाइक अदर बटरफ्लाई, बिल्कुल ये रीफ सेफ नहीं है। सभी बटरफ्लाई रीफ में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बटरफ्लाई अगर रीफ में पाया जाता है तो रीफ सेफ क्यों नहीं है? एक्चुअली वो रीफ में इसलिए पाया जाता है क्योंकि रीफ को ही वो लोग खाता है। सो रीफ में ही उनका खाना मिलता है, रीफ में ही कोरल मिलता है, तो बटरफ्लाई भी रीफ में ही मिलता है। लेकिन आपके टैंक में अगर आप बटरफ्लाई को रखोगे रीफ के साथ तो वो साफ कर देगा। सो दैट इज द पॉइंट। आज का जो हमारा अगला बटरफ्लाई है दैट इज चिटोडॉन मेलानोटस, ब्लैक बैक बटरफ्लाई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, मैक्सिमम 7 inch तक बड़ा हो सकता है और ये इंडो पैसिफिक और रेड सी में पाया जाता है। ये ब्लैक बैक बटरफ्लाई भी बहुत बढ़िया बटरफ्लाई है, बहुत अच्छा सिलेक्शन फॉर एनी फिश ओनली मेरिन टैंक, आर वेरी कॉमन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू पोलिनेशिया एंड हांगकॉन्ग टू ऑस्ट्रेलिया, विच मेक इट्स प्रीटी वाइड स्प्रेड। ये काफ़ी स्प्रेड रहता है, बहुत दूर फैला हुआ है इसका रेंज, बहुत दूर दूर इसके पाया जाता है। हालांकि ये ब्लैक बैक बटरफ्लाई बहुत वाइड रेंज में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका नेचर बहुत अच्छा है इसलिए एक्वेरियम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये ब्लैक बैक बटरफ्लाई का एक अलग ही खासियत है, ये रात को, इसका जो ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन रात को थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, ये डे और नाइट में अपना कलर चेंज करता है। डे में थोड़ा लाइट कलर रहता है, वाइब्रेंट, मतलब जब आप लाइट जला के रखेंगे, डे मीन्स एक्वेरियम में जब लाइट जलेगा तभी डे है, तो लाइट में ये लाइट कलर होता है, बहुत हल्का कलर में आ जाता है, और जैसे ही लाइट बंद हो जाता है ऊपर का पोर्शन ये डार्क हो जाता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। ये फिश भी बहुत, मतलब थोड़ा बड़ा टैंक होना है और आपका जो रॉक स्ट्रक्चर है वो लाइव रॉक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना है। वहाँ पर ये ओपन सी में घूमता है, मतलब आपके एक्वेरियम को ओपन स्पेस में घूमेगा, ओपन स्पेस को हम ओपन सी कंसिडर कर लेंगे, वहाँ घूमता है। इट्स अ वेरी हार्डी, इसका भी जो वाटर टेम्परेचर है 30 के आसपास ये टेम्परेचर ले सकता है, डेंसिटी 20 के आसपास मीन्स 1.020 तक ले सकता है, फूड हैबिट इट कैन अडॉप्ट इन एवरी टाइप ऑफ एक्वेरियम फूड मीन्स फ्लेक, मेरीनेस, पैलेट, सब कुछ ले सकता है, फ्रोजन फूड भी लेता है। टेम्परमेंट बहुत पीसफुल टेम्परमेंट है, बिल्कुल ही एकदम एग्रेसिव नहीं है, टेरिटोरियल नहीं है, तो पीसफुल है। प्रेफरेबल पेयर में रखना बहुत अच्छा है क्योंकि ये ग्रुप में पेयर में अच्छा रहता है, लेकिन ये बटरफ्लाई आप पॉपुलर की तरह सिंगल भी रख सकते हो। फिश ओनली टैंक के लिए, अगर आपका फिश ओनली टैंक है तो फिश ओनली टैंक के लिए ये बटरफ्लाई इज अ गुड चॉइस, लेकिन नॉट फॉर बिगिनर्स, आफ्टर 2 month और 3 month आपका टैंक जब थोड़ा सा मैच्योर होगा। और एक ही क्राइटेरिया है, पानी का पैरामीटर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, बहुत नेगेटिव पैरामीटर ना रहे, बहुत नेगेटिव पैरामीटर में सभी बटरफ्लाई प्रॉब्लम करेगा। ये रहा आज का हमारा अगला फिश, दैट इज चिटोडॉन मेरी, और इसका कॉमन नेम है मेयर्स बटरफ्लाई। ये भी कहाँ पाया जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन में पाया जाता है और 7 inch तक बड़ा होता है। ये बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है, आप सिर्फ इसका बॉडी पैटर्न देखिए, ये जो इसका जो बॉडी पैटर्न का जो वेव है, जो लाइन है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खूबसूरत चीज में नखरा बहुत ज़्यादा होता है, मेयर्स बटरफ्लाई इस जेनस का, मीन्स चिटोडॉन जेनस का मोस्ट हार्डेस्ट बटरफ्लाई टू कीप।
हार्डिएस्ट नहीं, हार्डेस्ट मतलब टफेस्ट, बहुत डिफिकल्ट बटरफ्लाई है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी ऑफ आवर टैंक। आई एम क्लियरिंग, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी ऑफ आवर टैंक। वाई? इनका जो नेचुरल डाइट है वो नेचुरल डाइट सिर्फ और सिर्फ कोरल पॉलिप्स ही है। ज़ूएंथिस का जो पॉलिप होता है या कोरल का जो पॉलिप्स होता है वो पॉलिप्स ही इनका नेचुरल डाइट है। कैप्टिविटी में हम इसे नेचुरल डाइट नहीं दे सकते, ये कोई फ्रोजन फूड भी लेके इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ये कोरल का सॉफ्ट टिश्यूज और सॉफ्ट कोरल को ही खाता है। सो वाइल्ड में तो ये बहुत अच्छी तरह से रहता है, लेकिन हमारे यहाँ टैंक में रखने के लिए पहला तो इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, पानी का डेंसिटी हाई चाहिए, पानी का क्वालिटी अच्छा चाहिए। ये सब अगर आप ठीक कर भी दो दूसरे मछली के साथ, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है इनका फीडिंग, आप कभी भी इसे ड्राई फूड में सेट नहीं कर सकते, फ्रोजन फूड में सेट नहीं कर सकते। इसको देना है तो सिर्फ कोरल पॉलिप्स। अगर ये फ्रोजन फूड इनिशियली खा भी ले तो भी कुछ दिन बाद ये मर जाएगा। दूसरे सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स करते हैं फिश लाते हैं और बेचते हैं। ये लाने और बेचने के बीच जो गैपिंग है, इस गैपिंग को कहते हैं नॉलेज। ये नॉलेज की गैपिंग है ना, उस सेलर के पास नॉलेज रहता है ना इस परचेजर के पास नॉलेज रहता है। इसीलिए इस गैपिंग की वजह से मनी लॉस होता है, लाइफ लॉस होता है, बीच में बहुत बहुत सारे मछली लॉस होते हैं, दोनों तरफ का लॉस होता है। सेलर तो पैसा कमा के चला जाता है, लॉस सिर्फ हॉबी का होता है, हॉबीज का होता है। जो आप हॉबीस्ट हो, जो मेरे व्यूअर्स है आप हॉबीस्ट हो, लॉस आप लोगों का होता है, क्योंकि आप मछली खरीद लेते हो, पैसा तो सेलर को मिल जाता है लेकिन मछली आपके पास नहीं रहता है। सो ये नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर है और यही है गैपिंग। सेलर और परचेजर के बीच जो गैपिंग है, इस गैपिंग का नाम ही है नॉलेज। और यही गैपिंग को फुलफिल करने के लिए मैं अभिषेक चौधरी फ्रॉम सीस्केप्स आप लोगों के साथ हूँ। कैसा लग रहा है अभी के अभी कमेंट में बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक साथ हम लोग इस हॉबी को आगे बढ़ाते हैं, सही नॉलेज के साथ, सही डायरेक्शन के साथ इस हॉबी को आगे बढ़ाते हैं। फिशेस को अच्छा रखना हमारा एम है, फिशेस को हैप्पी रखना हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं अलविदा कहता हूँ। थैंक यू टू बी विद अस। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।